कलापीपल पुलिस द्वारा सटोरियों पर की गई कार्रवाई। शाजापुर पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार कलापीपल पुलिस द्वारा 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी रवि भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार अवैध गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने हेतु पुलिस टीम सक्रिय है। भंडारी ने बताया, आजकल लोग सट्टे का अवैध कारोबार मोबाइल पर कर रहे हैं, इसी के चलते हमारी काला पीपल पुलिस टीम के द्वारा मुकेश, अजय मीणा, रामचरण मीणा, धर्मेंद्र मीणा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चारों से कुल 3,530 रुपये की राशि सहित मोबाइल सट्टा पर्ची जब्त की है, जिसमें मुख्य खायबाल मंगल मेवाड़ा उसको धारा 109 का आरोपी बनाया है। उक्त आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी ने बताया, थाना क्षेत्र में जो भी सट्टे के कारोबार में लिप्त हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे पूर्व में रिकॉर्ड रहे इनको छटवा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाजापुर के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र कालापीपल में चल रही अवैध गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके संबंध में लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि सट्टा का काम आजकल अधिकतर लोग मोबाइल पर करने लगे हैं, उसी पर मुखबिर तंत्र को मामूर करके मुखबिर लगाकर शाजापुर पुलिस टीम द्वारा कालापीपल पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आज 4 लोगों के खिलाफ सट्टे की कार्रवाई की गई है। उसमें मुकेश राव, अजय मीना, रामचरण मीना, धर्मेंद्र मीना चारों से कुल 3530 रुपये का सट्टा अंक मोबाइल और पर्चियां जब्त की गई है। इसके अलावा जो मुख्य खाईवाल था मंगल मेवाड़ा उसको धारा 109 का आरोपी बनाया गया है। उक्त आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है, जिसमें कार्रवाई के बाद उनको पेश किया गया है। इसके बाद भी क्षेत्र में जो लोग इन कार्रवाइयों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं जिनके पूर्व में रिकॉर्ड रहे हैं उनके रिकॉर्ड छटवा कर जो भी आवश्यक कार्रवाई है, यहाँ तक कि जिला बदर भी उनके पेश किए जाएंगे और क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा पूर्ण रूप से इन गतिविधियों सट्टे जुए एवं गांजे पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का लगातार प्रयास जारी रहेगा। कालापीपल से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।